और चौथा हार्म या फिर कोई इंजरी या फिर कोई हर्ट वगैरह तो ये सब मिलकर क्या करते हैं क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो आज की वीडियो में हम एक लैटिन मैक्सिम एक्टस नॉन फेस्ट्री उमनसी मेन सितरिया इस लैटिन मैगजीन को हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे विद लैंडमार्क केसेस हम ये जानेंगे कि इस मैगजीन का इंग्लैंड में कैसे डेवलपमेंट हुआ और इंडिया में क्या ये वैलिड है क्या इसको मान्यता दी गई है क्या ये इंडिया में होता है, पूरा हो जाएगा। अगर आपके मेन्स में क्वेश्चन आता है कि डॉक्ट्रीन ऑफ मेन्सरिया पर नोट्स लिखिए है तो आप जो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी वही लिखकर आ सकते हैं उतना ही इनफ होगा जितनी भी वीडियो में बनाती हूँ आईपीसी की एविडेंस की एविडेंस हमने कंप्लीट करा दिया है ठीक है तो उस सारी की सारी आप ऐसा नहीं पूछे मेरे से कि भाई क्या हम ये आपके जो आप नोट्स हमें बताते हैं वो हम मेन्स में लिख आ सकते हैं भाई ये किस लिए पढ़ा किसले पढ़ायों मैं यहाँ पे मजाक थोड़ी हो रहा है यहाँ पर आपको मेन्स के पर्पस के लिए भी पढ़ाया जा रहा है प्री के पर्पस के लिए भी पढ़ाया जा रहा है आप इस मटेरियल को जो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है वीडियो में किसी भी क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं लाइक डॉक्ट्रिन ऑफ मेन्सरिया अगर आपके एल एल बी के एग्जाम में आ रखा है या फिर आपके मेन्स में आ रखा है तो आप यहाँ से जो मटेरियल आप डिराइव करते हो वो लिख कर आ सकते हो इस पर कोई संदेह नहीं है कि लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए आप लिख कर आ सकते हो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे अब अगर हम बात करें इस लैटिन मैगजीन की actus non facetere, um nisi मतलब ही क्राइम का गठन करते हैं क्राइम को कंस्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पर इस मैक्सिम का मतलब क्या है मतलब यही है कि भाई किसी पर्सन को क्रिमिनल प्रोसीडिंग में पनिश नहीं किया जाएगा जब तक कि ये शो ना हो जाए कि जिस एक्ट के लिए उसके ऊपर कार्यवाही की जा रही है वो एक्ट उसने गिल्टी इंटेंशन से किया है अगर गिल्टी इंटेंशन से किया है तो क्राइम के लिए पनिशमेंट मिलेगी अगर नहीं किया है गिल्टी इंटेंशन से तो ये माना जाएगा कि कोई क्राइम किया ही नहीं है यानी कि कोई भी क्राइम बिना मेंस रिया के या फिर इविल माइंड के नहीं किया जा सकता है बेसिकली प्री में ये क्वेश्चन आता है कि एक्टस नॉन फेसिट रे ओमनी इसी मेंस रिया ये मैक्जिम कैसे विकसित हुआ कहां से विकसित हुआ तो ये common law से विकसित हुआ है, डेवलप हुआ है ये मैगजीम और ऐसा कहते हैं कि ये से बोरो किया गया है Edward इसके बाद ये कई बार common law crimes में हुआ और अब तक यूनिफॉर्मली अप्लाई होता आ रहा है अब अगर हम बात करें इस डॉक्ट्रिन की एप्लीकेशन क्या है इंग्लैंड में तो जैसे कि आपको पता है आईपीसी में कोई पर्टिकुलर ऑफेंस जैसे कि डिफाइंड है ठीक है वहां पर एक्सप्रेसली ये नहीं कहा गया है कि भाई इस ऑफेंस को करने के लिए मैंसरिया होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो ये क्या है ये ऑफेंस आईपीसी में डिफाइन है तो इसको हम कहेंगे कि स्टेचुटरी ऑफेंस ठीक है तो क्या मैंसरिया स्टेचुटरी ऑफेंस के ऊपर अप्लाई होता है जहां पर मतलब एक्सप्रेसली ये नहीं कहा गया है कि यहां पर मैंसरिया चाहिए या मेन्सरिया नहीं चाहिए तो क्या उनके ऊपर ये डॉक्ट्रिन ऑफ मेन्सरिया अप्लाई होता है या नहीं इस चीज को लेकर 1946 तक इंग्लैंड में अनसर्टेनिटी थी इस चीज़ के ऊपर कोई निश्चितता नहीं थी हालांकि पहले केसेस आए जैसे कि आर वर्सेस प्रिंस 1875 का केस है इस केस में हुआ क्या था एक लड़का जिसका नाम था प्रिंस उसने एक लड़की को भगा लिया था ठीक है उसकी एज बताई जा रही थी कि वो 16 साल की है, और उसको बिना उसके फादर की परमिशन के भगाकर ले जाया गया है जो कि ऑफेंस अगेंस्ट द पर्सन एक्ट 1861 के सेक्शन 55 के तहत पनिशेबल ऑफेंस है यानी कि एक लड़की जो कि अंडर एज है उसको आप भगाकर लेकर जा रहे हैं और विदाउट द परमिशन ऑफ हिज़ फादर तो ये एक ऑफेंस है इस सेक्शन के तहत तो अब हुआ क्या जो लड़की है उसने ये जो लड़का था प्रिंस इसको बताया था कि वो अट्ठारह साल की है और फिजिकली देखने में भी वो अट्ठारह साल की ही लग रही थी जूरी को भी यही अपेयर हुआ कि जो गर्ल है वो प्रिंस के साथ अपनी इच्छा से गई थी

प्रिंस ने जैसा कि विदाउट इंटेंशन विदाउट गिल्टी इंटेंट विदाउट एक्ट किया है तो वो ऑफेंस ही नहीं है इस तरीके से प्रिंस गिल्टी नहीं है because उसका ऑफेंस कमिट करने का इंटेंशन नहीं था ये बात सिर्फ और सिर्फ जेब्रेट ने कही ये चीज सिर्फ और सिर्फ जेब्रेट ने एक्सेप्ट की लेकिन ब्लैकबर्न जे इन्होंने क्या किया इन्होंने कहा कि जो महीम इनसे एंड महीम प्रोहिबिटम इन दोनों में डिस्ट्रिक्शन होता है महिम इनसे मतलब जो लीगल भी होते हैं और मॉरल रॉन्ग भी होते हैं और महिम प्रोहिबिटम जो की ओनली लीगल रॉन्ग होते हैं तो इन्होंने कहा कि जो महिम इनसे होते हैं वहां पर जाता है यानी कि ऐसे क्राइम जो की लीगल तो है ही साथ ही मॉरल रॉन्ग भी है एक लड़की को भगाना मॉरल रॉन्ग है वही दूसरी तरफ सेक्शन फिफ्टी फाइव यहाँ पर जो एक्ट हमने बताया उसके तहत वो क्या हो गए लीगल ऑफेंस भी हो गए तो इस तरह के जो ऑफेंस होते हैं महिम इनसे जो होते हैं ये वाले ऑफेंस इनके केसेस में मेनसरिया होना जरूरी नहीं है प्रिज्यूम ये कर लिया जाता है कि भाई मेन्सरिया था तो इस वजह से जैसा कि प्रिंस ने लड़की को वो भगाकर लेकर गया एक गिल्टी हेल्ड कर दिया गया कि वो गिल्टी है और अदर जजेस ने भी ये व्यू एक्सप्रेस किया कि जैसा कि लेजिस्लेचर ने ये जो एक्ट है सेक्शन 55 जो है इस एक्ट का उसमें ऐसा कुछ नहीं कहा है कि भाई मेन्सरिया होना जरूरी है तो यहाँ पर विदाउट मेन्सरिया इस सेक्शन के तहत पर्सन को पनिश किया जाता है तो इस वजह से जो एक्यूज है वो गिल्टी है तो यहाँ पर ये हेल्ड हुआ कि जो स्टैट्यूट है वो स्पेसिफिकली स्टेट नहीं किया है कि गिल्टी इंटेंशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए सेक्शन 55 में स्पेसिफिकली यहाँ पर ये यह जो एक्ट अभी हमने डिस्कस किया था अधिनियम उस अधिनियम के सेक्शन 55 के तहत तो भगाना लड़की को गलत है विदाउट हिज फादर कंसेंट लड़की को लेकर जाना जो कि अंडर एज है गलत है तो यहाँ पर इस सेक्शन में स्पेसिफिकली ये स्टेट नहीं किया गया है कि इस ऑफेंस को कमिट करने वाले पर्सन के माइंड में क्या होना चाहिए गिल्टी इंटेंशन होना चाहिए ऐसा एक्सप्रेसली यहाँ पर मैंशन ही नहीं है तो इस वजह से इस केस में कहा गया कि जो डिफेंडेंट है वो गिल्टी है क्यों गिल्टी है क्योंकि वो अपना एक्ट जानता था कि किसी लड़की को ऐसे भगा कर जाना इमोरल एक्ट है है तो यहाँ पर प्रिंस को इस केस में क्या कर दिया गया गिल्टी हेल्ड कर दिया गया और डॉक्ट्रिन ऑफ मिन्सरिया अप्लाई नहीं किया गया आर वर्सेस प्रिंस केस में जो डिसीजन दिया गया इसको डिफरेंट डिफरेंट डिफरें जुरिस्ट ने एंड ऑथर्स ने इंक्लूडिंग रसिल इन सब ने बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया इसके बाद एक और केस आया आर वर्सेस टॉल्सन 1889 का केस बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं ये दोनों के दोनों अब इस केस में हुआ क्या मिसेस टॉल्सन टॉल्सन एंड मिस्टर इन दोनों ने 1880 में शादी की और फिर इसके बाद 1881 में 1881 में जो मिस्टर टॉल्सन थे वो अमेरिका चले गए फिर उसके बाद जो मिस्टर टॉल्सन के एल्डर ब्रदर थे उन्होंने ये बताया मिसिस टोल्सन को एंड उनके पापा को कि भाई जो मिस्टर टोलसन है वो उस शिप में जो कि अमेरिका के लिए रवाना हुई थी खो गए हैं इसके बाद मिसिस टोल्सन ने एंड उनके जो फादर थे उन्होंने हर इंक्वायरी की मिस्टर के बारे में बट उन्हें यही पता चला कि भाई मिस्टर खो गए हैं अब काफी सालों बाद 1887 की बात है मिसिस टोल्सन ने सपोज किया कि भाई वो अब विधवा हो गई है तो उसने क्या किया उसने किसी और व्यक्ति से जिसको उसने सब कुछ बताया और उससे शादी कर ली इस शादी को सीक्रेट भी नहीं रखा गया अब भाई जब शादी कर ली तब मिस्टर टोलसन वापस आ गए जिंदा पाए गए 1887 के दिसंबर में ही वो वापस आ गए मतलब पहले तो गायब ही हो गए थे और अब जैसे ही शादी कर ली मिसेस टोलसन ने दूसरी अपने आप को विधवा सपोज करते हुए वापस आ गए वो मिस्टर टोलसन वापस आ गए अब मिसेस टोलसन के ऊपर ऑफेंसेस अगेंस्ट द पर्सन एक्ट एटीन के सिक्सन फिफ्टी के तहत बाइक गेमी कमिट करने का चार्ज लगाया गया और ट्रायल कोर्ट में ये डिसीजन दिया गया कि भले ही मिसेस टॉल्सन ने बोनाफाइल्डली ये बिलीव करते हुए रीजनेबली ये बिलीव करते हुए कि उसके हस्बैंड मर गए हैं सेकेंड शादी की है इस चीज़ को बाई के चार्ज के लिए गुड डिफेंस नहीं माना जा सकता है और इस वजह से जो ट्रायल कोर्ट थी उन्होंने मिसिस टोलसन को सेंटेंस दे दिया गिल्टी हेल्प कर दिया डे का इम्प्रिजमेंट दे दिया अब जो मिसेस ट्रलसन थी उन्होंने इस डिसीजन की आगे अपील की इस ग्राउंड पे कि भाई जो ज्यूरी ने डायरेक्शन दिया है वो गलत है बिकॉज ये जो केस है मेरा इसमें मेनसरिया का क्वेश्चन इन्वॉल्व है यहाँ पर जैसे कि मेरी गिल्टी इंटेंशन नहीं थी और ये बात क्लियर है कि कोई एक्ट तभी क्राइम होता है जब उसमें उसको करने के लिए करने वाले पर्सन के दिमाग में गिल्टी इंटेंशन हो मेरे दिमाग में कोई गिल्टी इंटेंशन थी ही नहीं और यहाँ पर मेरे केस में सवाल था का जिसको ट्रायल कोर्ट ने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है तो ट्रायल कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उसकी अपील मिसेस टॉल्सन ने की आगे अब जब मामला कोर्ट ऑफ अपील में गया तो कोर्ट ऑफ अपील ने जो ट्रायल कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था उसको क्वैश कर दिया और नौ पांच जजेस की मेजोरिटी के साथ ये डिसीजन आया कि भाई टॉल्सन ने रीजनेबली ये बिलीव करते हुए बोनाफाइडली बिलीव करते हुए कि उसके हस्बैंड मर चुके हैं सेकेंड मैरिज की थी तो ये जो बाइगेमी का चार्ज लगा है उसके ऊपर उसके लिए ये अच्छा डिफेंस है जेक कैन जो कि एक बहुत ही फेमस जुरिस्ट है इस केस के उन्होंने ये डिसीजन दिया कि भाई इस केस में अप्लाई होगा और वो जो मिसेस टल्सन है वो गिल्टी हैल नहीं की जाएंगी बिकॉज उन्होंने विदाउट द गिल्टी इंटेंशन एक्ट किया है जैसा कि लैटिन मैगजीन ही है एक्टूस नॉन फैसे रिन सी इस मैगजीन का मतलब यही है कि भाई कोई एक्ट ऑफेंस नहीं है जब तक कि वो गिल्टी इंटेंशन से ना किया गया हो इस मैगजीन को अप्लाई करते हुए कैन ने ये ऑब्जर्व किया कि डॉक्ट्रिन ऑफ मेन्सरिया स्टेचरी ऑफेंसेस के ऊपर भी अप्लाई होता है जो स्टैचूड में ऑफेंसेस प्रिस्क्राइब है उनके ऊपर भी अप्लाई होता है जब तक कि एक्सप्रेसली इसको एक्सक्लूड ना कर दिया गया हो जब तक कि विशेष रूप से इसको वर्जित ना कर दिया गया हो या फिर बाय नेसेसरी इंप्लीकेशन इसको वर्जित ना कर दिया गया हो तब तक ये आपका स्टेचुटरी ऑफेंसेज के ऊपर भी अप्लाई होता है हालाँकि इंडिया में ऐसा होता है स्टेक लाइबिलिटी के केसेस में ये डॉक्टर अप्लाई नहीं होता है जैसे कि पब्लिक न्यूसेंस का केस हो गया लाइक like बाइगेमी, बाइगेमी के ऊपर भी नहीं अप्लाई होता है इंडिया में ठीक है यहाँ आपकी बात तो अलग थी इंडिया में बाइगेमी के ऊपर अप्लाई नहीं होता है ये डॉक्ट्रिन, वहीं कंटेम्प ऑफ कोर्ट के केस में भी ये डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं होता है सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के केस में ये डॉक्टरिन अप्लाई होता ही नहीं है तो यहाँ पर सेक्शन फिफ्टी के तहत जो बाइगेमी का चार्ज लगा था जैसा कि वहां पर एक्सप्रेसली यहाँ यहाँ पर तो और जो मिसेस ट्रोलसन थी उनको एक्विट कर दिया गया तो यहाँ पर आपने क्या जाना कि आर वर्सेस प्रिंस के के केस में तो डॉक्टर ऑफ मेन्सरिया अप्लाई नहीं हुआ था आर वर्सेज के, के केस में अप्लाई हुआ लेकिन इसके बाद एक और केस आया आर वर्सेस वीट्स एंड स्टॉक्स इस केस में फिर से डॉक्टर ऑफ मेन्सिया अप्लाई नहीं किया गया ये सारे ही केसेज इंपॉर्टेंट है इन केसेस के अलावा और भी केसेस हैं लाइक जैसे कि शराज वर्सेस डी रुटजन हॉब्स वर्सेज विंचेस्टर कॉरपोरेशन स्वीट वर्सेस पालस नाइनटीन ये सारे ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं शराज वर्सेस डी रुटचन में ये बात हल की गई थी कि भाई हर स्टेच्यूट में डॉक्टर ऑफ मेन्सरिया इम्प्लिसिड होता है जब तक कि एक्सप्रेसली उसके ऊपर बार ना लगा दिया जाए जब तक कि एक्सप्रेसली ना कह दिया जाए कि भाई ऑफ अप्लाई नहीं होगा ठीक है तब, तब तक ये माना जाएगा कि ऑफ क्या है इम्प्लिस है हर के अंदर निहित है माना जाएगा एक केस था स्वीट वर्सेस पार्ट से इस केस में यही बात हेड हुई थी कि भाई कोई भी ऑफेंस बिना मेन्सरिया के नहीं किया जा सकता है अगर कोई एक्ट बिना मेन्सरिया के किया जाता है तो वो ऑफेंस नहीं होता है अब इसके बाद नाइनटीन की बात है नाइनटीन तक कोर्ट ने जनरली रिफ्यूज कर दिया कि भाई वो जो स्टेच्यूटरी ऑफेंस है उनमें यह चीज़ नहीं देखेंगे कि भाई क्रिमिनल इंटेंशन था या नहीं था यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ रिया को अप्लाई करने से रिफ्यूज कर दिया गया इस चीज के लिए प्रोफेसर स्टेलिबीज ने यह कहा कि भाई इंग्लैंड में स्टेच्यूटरी ऑफेंसेस के मामलों में डॉक्ट्रिन ऑफ रिया क्या हो गया एक्लिप्स में चला गया है उसके ऊपर ग्रहण लग गया है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स लग गया है उसके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा आपको अब इसके बाद 1946 की बात है हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ब्रांड वर्सेस वुड के केस में फिर से डॉक्टर ऑफ मिन्सरिया को रिस्टोर किया और इस केस में फाइनली ये बात हेल्प की गई कि भाई जब तक की स्टैच्यूट या तो एक्सप्रेसली मतलब बिल्कुल स्पष्ट रूप से या फिर बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन क्या नहीं कर देती है कि ये नहीं कह देती है कि भाई डॉक्टर ऑफ मिन्सरिया जरूरी नहीं है इस केस में या फिर यहाँ पर डॉक्टर ऑफ मिन्सरिया अप्लाई नहीं होगा कि इस क्राइम में जो मिन्सरिया है वो नेसेसरी एलिमेंट नहीं है ये जब तक कि एक्सप्रेसली क्या ना कर दे किसी स्टैट्यूट में एक्सप्रेसली ये चीज अगर मेंशन नहीं कर दी जाती जब तक या फिर बाय बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन ये चीज रूल्स आउट नहीं कर दिया जाता है मेन को तब तक किसी पर्सन को उस एक्ट के लिए गिल्टी नहीं माना जाएगा जो कि उसने विदाउट गिल्टी माइंड कमिट किया हो और इस केस में जो

वर्सेज हरिप्रसाद राव 1951 का केस है इस केस में ब्रांड वर्सेस वुड का जो डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट ने फॉलो किया उसे और फिर इसके बाद बहुत सारे ऐसे डिसीजन है जहां पर डॉक्टर ऑफ मेन्सरिया अप्लाई किया गया इंडिया में मेन्सरिया के डॉक्टर को कोई स्पेसिफिक इम्पोर्टेंट तो नहीं दी गई है बल्कि जैसे कि आईपीसी में ऑफेंसेस डिफाइन हैं, तो ऑफेंसेस में ही जो डेफिनेशन दी गई है ऑफेंस की उनमें इसेंशियल एलिमेंट्स छुपे हैं ऑफेंसेस के तो हम ये कह सकते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ मेन्सरिया को आईपीसी में दो तरीकों से क्या किया गया इनकॉर्पोरेट किया गया है एक्सप्रेसली नहीं किया गया है बट किया गया है दो तरीकों से जिससे कि किसी भी ऑफेंस को डिफाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा केयरली ऑफेंसिस की डेफिनेशन आईपीसी में डिफाइन की गई है जहाँ पर किसी पर्टिकुलर ऑफेंस में क्रिमिनल इंटेंशन रिक्वायर है वहाँ पर मेंशन कर दिया गया है किसी भी तरीके से लाइक जैसे कि इंटेंशनली वर्ड यूज करके डिशनर्सली वर्ड यूज करके प्रोडुलेंटली वर्ड यूज़ करके वॉलेंटरली नोइंगली इस तरह के शब्दावली यूज़ करके इस तरह के वर्ड्स यूज करके ऑफेंस में एक्सप्रेसली क्या कर दिया गया है जो क्रिमिनल इंटेंशन है मैंसरिया है उसको इन शब्दों में इंक्लूड करके ऑफेंस की डेफिनेशन में ही दे दिया गया है ये चीज हालांकि जैसे कि, कि इंग्लैंड का लॉ हमने आपको बताया इंग्लैंड में कैसे डॉक्ट्रीन ऑफ मेन्सरिया आया वहां पर यह चीज़ नहीं की गई है इसी वजह से वहां पर आर वर्सेस प्रिंस से लेकर ब्रेंड वर्सेस वुड्स तक के केस में काफी क्या रहा था कंफ्लिक्ट रहा था डॉक्ट्रीन ऑफ मेन्सरिया को लेकर हालांकि आईपीसी में आपने एक बहुत सारे ऐसे सेक्शन देखे होंगे जहां पर कोई भी वर्ड जो कि मैंसरिया को डिफाइन करता हो नहीं दिया गया है क्योंकि वो ऐसे ऑफेंसेज हैं जिनको कोई इनोसेंट पर्सन कर ही नहीं सकता है तो वहां पर इंटेंशन हो गिल्टी या गिल्टी इंटेंशन ना हो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है लाइक जैसे कि वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड काउंटर फिटिंग ऑफ कॉइंस वगैरह ये सब यहाँ पर मेन्सरिया का होना जरूरी नहीं है चाहे इनमें से कोई भी एक्ट आपने मेन्या से किया हो गिल्टी इंटेंशन से किया हो चाहे गिल्टी इंटेंशन से ना किया हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो सबसे पहली चीज तो आईपीसी में यही की गई है कि ऑफेंस में एक्सप्रेसली मेंशन कर दिया है कुछ वर्ड यूज करके जिससे ये हम इन्फर कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो वर्ड्स यूज किए गए हैं इनमें डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया क्या है इम्प्लिसिट है दूसरी चीज जो आईपीसी में की गई है वो है जनरल एक्सेप्शंस वाला चैप्टर चैप्टर नंबर फोर ऑफ आईपीसी जिसमें सेक्शन सेवेंटी सिक्स से लेकर वन हंड्रेड सिक्स तक दिए गए हैं जहां पर कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं फैक्ट के संबंध में accident, infancy, insanity, consent, right defense, के में एक्सीडेंट इन्फेंसी इंटॉक्सिकेशन नेसेसिटी कंसेंट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केसेस कुछ जनरल एक्सेप्शन दिए गए हैं इनके तहत अगर कोई पर्सन ऑफेंस करता है तो उन्हें क्रिमिनल लाइबिलिटी से एग्जेम्पन मिल जाता है यहाँ पर लॉ ये प्रिज्यूम करता है कि जो गिल्टी इंटेंशन है वो है ही नहीं और या फिर ये प्रिज्यूम किया जाता है कि जो एक्ट है उसको

कि वहां पर गिल्टी इंटेंशन उस पर्सन की हो ही नहीं सकती है इस तरह से प्रजंपशन लगाई गई या फिर उसका जो एक्ट है उनको क्या कर रहे हैं सरकमस्टेंसेस से जस्टिफाई बना रहे हैं तो इन दो तरीकों से आईपीसी में डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया इनकॉर्पोरेट किया गया है इस चीज के लिए एम सी सेटलवर्थ ने अपनी बुक कॉमन लॉ ऑफ इंडिया में यह बात लिखी है कि भाई कॉमन लॉ की मॉडिफिकेशन आईपीसी में देखने को मिलती है जो कि की, की गई है किसके द्वारा मैकोले के द्वारा और उनके जो कलीग्स वगैरह थे उनके द्वारा की गई है मैकोले आपको पता ही है कौन है तो मैकोले कौन है लॉर्ड Lord... मैं कॉले कौन है ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे और ये आपने अच्छे से ध्यान रखना है कि भाई डॉक्टर लाइबिलिटी के के केस में अप्लाई नहीं होता है ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि जितने भी केसेस यहाँ पर आज इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं एक एक केस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कुछ केसेज है लाइक जैसे की नथुलाल वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज एम एस जॉर्ज एंड श्रीनिवास मल बेरो वर्सेज एम्पर नाइनटीन इन सभी केसेस में शराज वर्सेज डी रुटजन का जो केस था एटीन का इस केस में जो जजमेंट दिया गया था उसको को फॉलो किया गया इन सभी केसेस में ये बात हेल्ड हुई कि जब तक कि जो मेन्सरिया है उसको स्टैट्यूट के द्वारा एक्सप्रेसली या फिर बाय नेसेसरी इंप्लिकेशन एक्सक्लूड नहीं कर दिया जाता है तब तक ऐसा माना जाएगा कि वो इम्प्लिसिट है स्टैट्यूट में यानी कि वो इसेंशियल इंग्रेडिएंट है क्रिमिनल ऑफेंस का सिर्फ ये तथ्य कि भाई जो स्टैट्यूट का ऑब्जेक्ट है वो ये है कि जो वेलफेयर एक्टिविटीज है उनको promote किया जाए और जो grave social evil है उसको एरेडिकेट किया जाए सिर्फ ये चीज ये तथ्य है इस सवाल को सुलझाने के लिए काफी नहीं है कि क्या किसी पर्टिकुलर ऑफेंस से गिल्टी इंटेंशन को क्या कर दिया गया एक्सक्लूड कर दिया गया को एक्सक्लूड कर दिया गया यही काफी नहीं है कब ये माना जाएगा कि बाय नेसेसरी इंप्लीकेशन मेन्सरिया को एक्सक्लूड किया गया है स्टेच्यूट से ऐसा तभी माना जाएगा जब ये एब्सोल्यूटली क्लियर किया गया हो कि जो स्टेच्यूट के ऑब्जेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या हो जाएगा डिफीट हो जाएगा अगर डॉक्ट्रिन ऑफ मेन्सरिया क्या किया गया अप्लाई किया गया तो अगर ऐसा होता है तो तब बाय नेसेसरी इंप्लीकेशन डॉक्ट्रिन ऑफ मेन्सरिया को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा अब ये चीज कैसे ज्ञात की जाए ये चीज कैसे पता लगाई जाए कि भाई किसी पर्सन ने कोई एक्ट Men'sria से किया है या नहीं किया विद गिल्टी इंटेंट किया है या नहीं किया है तो जैसा कि गिल्टी इंटेंट जो होता है मेनसरिया जो होता है उसके दो एलिमेंट होते हैं पहली चीज ये कि भाई जो पर्सन एक्ट किया है वो वॉलेंटरली एक्ट किया हो अपनी स्वेच्छा से उसने काम किया हो कार्य किया हो एक्ट किया हो एक्ट या हो, फिर ओमिशन जो भी है ठीक है दूसरी चीज ये है कि भाई जो एक्ट वो कमिट कर रहा है उसकी उससे नॉलेज होनी चाहिए उसकी उससे जानकारी होनी चाहिए तो तब क्या हो जाएगा मेन्सरिया कंप्लीट हो जाएगा उस पर्सन का इन्फर कर लिया जाएगा कि भाई उसकी गिल्टी इंटेंशन थी यहां पर एक मैक्सिम है एक्टुस मी इन non est mens एक्टुस इस मैग्जिम का मतलब है कि मैंने अगर कोई एक्ट किया है ठीक है मैंने कोई एक्ट अगर किया है और वो एक्ट मैंने अगर अपनी विल के अगेंस्ट किया अपनी इच्छा के विरुद्ध किया अपनी इच्छा के विपरीत किया है तो वो एक्ट मेरा नहीं है तो यानी कि जो भी एक्ट अगर कोई पर्सन अपनी इच्छा के विरुद्ध करता है तो वो एक्ट उसका एक्ट नहीं होता है इस मैक्सिम के आधार पर भी मेंसडिया के डॉक्ट्रिन को क्या किया जाता है अप्लाई किया जाता है तो पहला सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जो आपने सॉल्व करना है वो ये है कि होता क्या है कि कुछ जो डाकू होते हैं वो क्या करते हैं पिस्तौल दिखाकर ठीक है पिस्तौल दिखाकर ब्लैक स्मिथ को बिल्कुल इंस्टेंट डेथ का क्या कर देते हैं फेयर उसको कॉज कर देते हैं फिर वो उसको कहाँ लेकर जाते हैं उसको लेकर जाते हैं वो एक तिजोरी के सामने और कहते हैं कि भाई तू इस तिजोरी को खोल ठीक है इस तिजोरी का जो लॉक है वो तोड़ दे अब जो बी है उसको एप्रीहेंशन ऑफ डेथ यहाँ पर हो रहा है उसको इंस्टेंट डेथ कॉज करने का यहाँ पर जो डाकू हैं पिस्तौल दिखाकर उन्होंने उसकी इंस्टेंट डेथ कॉज करने का फेयर उसको दिया है ठीक है डर उसको दिया है अब यहां पे बी क्या कर देता है ताला तोड़ देता है तो अब ये बताइए कि क्या बी इस एक्ट के लिए लाइबल है क्या बी ने कोई ऑफेंस कमिट किया है दूसरा है क्वेश्चन कि एक पर्सन है ए वो जंगल में जाता है शिकार करने अब यहाँ पे उसको लगता है कि एक टाइगर झाड़ियों के पीछे है फिर वो उसके ऊपर क्या करता है बंदूक से निशाना साधता है और उसके ऊपर निशाना वो लगा देता है लेकिन होता है क्या है वहां पर कोई टाइगर नहीं होता है अब वहां पर टाइगर नहीं है था कौन कोई इंसान था वहां पर और उसकी डेथ कॉज हो जाती है ये आपने मुझे बताना है कि क्या ए ने ये जो एक्ट किया इसके लिए वो लाइबल है दोनों को अच्छे से आज के जो वीडियो लेक्चर हमने दिया यहाँ पर आप जनरल एक्सेप्शन का भी सहारा लेंगे और इस वीडियो लेक्चर का भी आप सहारा लेंगे और आप इन दोनों ही सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन का आंसर हमारे टेलीग्राम ग्रुप एल एल बी जीनत में मुझे लिख कर भेजेंगे तो ये आज के लिए आप लोगों का होमवर्क है